ये हमारे पास Oppo F17। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपका वाईफाई जो है आपको कनेक्ट कर लेना है। अगर आप मोबाइल डेटा से करोगे तो भी आपका सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल हो जाएगा। फिर दोस्तों आपको चले जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में फ्रेंड्स जैसे ही जाओगे तो यहाँ पे नीचे की तरफ एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर अपडेट, यहाँ पे सिंपल एक बार आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिटेक्टिंग लिखा हुआ आ जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो कलर OS 11.1 3.33 GB का ये सॉफ्टवेयर अपडेट आया है एंड्रॉइड 11। और फ्रेंड्स इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं उसका डेमो वीडियो भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो अबाउट दिस अपडेट, यानी कि इस अपडेट के अंदर कंपनी ने क्या कुछ चेंजेस किए हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है, तो आप चाहो तो इसको भी रीड कर सकते हो। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम कंटिन्यू डाउनलोड कर देते हैं क्योंकि ये मैंने आधा डाउनलोड करके रखा था ताकि वीडियो बनाते टाइम ज़्यादा समय न लगे। तो फ्रेंड्स ये एक बार डाउनलोड हो जाए फिर इसको कैसे इंस्टॉल करना है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में आगे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो कम्प्लीटली डाउनलोड हो चुका है। अभी रिसेंटली इस फोन के अंदर ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपको अपडेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे सिंपली आपको अपडेट नाउ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरीफाइंग लिखा हुआ आ जाएगा। अभी दोस्तों आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शांति से वेट कीजिए। स्टेप बाय स्टेप मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे इसके अंदर जो इंस्टॉल होता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फोन जो है वो ऑफ हो चुका है, यानी कि अपडेट की प्रोसेस में चला गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओप्पो की ब्रांडिंग आ चुकी है, नीचे की तरफ लिखा हुआ है पावर बाय एंड्रॉइड। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हो अपडेटिंग प्लीज वेट प्लीज डोंट डू एनी अदर ऑपरेशन अबाउट 2 मिनट, यानी कि जब भी आपका फोन जो है वो अपडेट की प्रोसेस में होता है तब आपको कोई भी चीज़ जो है प्रेस नहीं करनी, यानी कि आपका फोन जो है बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना है जब तक ये फोन जो है वो स्टार्ट ना हो जाए। और एक बात दोस्तों की जब भी आप अपना फोन जो है वो अपडेट करते हो तो आपका डेटा जो है बिल्कुल भी डिलीट नहीं होता, सिर्फ आपका फोन का सॉफ्टवेयर ही अपडेट होता है। और ये वीडियो जो है मैं स्किप करके बना रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो जो है वो लंबी ना हो, वैसे ये 15-20 मिनट जितना टाइम लेता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने में। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो अगेन ओप्पो की ब्रांडिंग आ चुकी है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हो ये प्रोसेस जो है वो लास्ट प्रोसेस है, इसके बाद एक ऑप्टिमाइजिंग प्रोसेसर होगा प्रोसेस होगा, वो प्रोसेस होने के बाद हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग एप्स वाली प्रोसेस जो है वो इसके अंदर स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 100% होने तक आपको शांति से वेट करना है, फिर हमारा फ़ोन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो हमारा फ़ोन जो है वो फाइनली स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अभी रिसेंटली इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल किया वो कम्प्लीटली हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल जो है वो चेंज हो चुका है इसके अंदर। और यहाँ पे दोस्तों आप जो वॉलपेपर चेंज करते थे वो आइकन आपको चेंज करने के देखने को मिल जाता है, यानी कि ये कुछ इस तरीके से न्यू हो चुका है पूरा। और कैमरे के अंदर भी आपको एक नया फीचर्स देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। तो गाइस ये वाला जो नया फीचर्स इसके अंदर ऐड किया है, पहले क्या होता था ओल्ड वर्जन के अंदर यहाँ पे आपको सेटिंग्स ऑप्शन देखने को मिल जाता था, वहीं से आपको ये सारे फीचर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते थे। तो गाइस इसके अंदर ये कुछ चेंजेस किया है और इसका मैं अलग से वीडियो भी बना चुका हूँ कलर OS 11.1 के अंदर क्या कुछ न्यू ऐड किया है। तो वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहीं से उसको जो है वो चेकआउट कर सकते हो। और फ्रेंड्स ये अपडेट को आपको चेक करना है, यानी कि कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है कि नहीं, तो आपको सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक कर देना है। तो गाइस जैसे ही आप सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो चेकिंग फॉर अपडेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कलर OS 11.1 एंड्रॉइड 11 इसके अंदर कम्प्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से ओप्पो F17 के अंदर आप सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर सकते हो। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और एक बात दोस्तों कि आप और भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स जानना चाहते हो तो फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम की लिंक जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है तो आप डायरेक्टली वहीं पे मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।